पर कोरोना वायरस गोड्डा के साथ साथ अब आसपास के गांव में भी अपना पांव पसारना शुरू कर चुका है। आज भी 5 मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जहां 4 ठाकुरगंगटी और 1 महरमा से मिला है। गोड्डा प्रशासन के अथक प्रयास से गोड्डा के आसपास के कुछ गांव अभी भी कोरोना से मुक्त हैं। आज 5 पॉजिटिव केस आने से प्रशासन की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस विकट परिस्थितियों में क्या गोड्डा प्रशासन शहर के साथ गाँव में भी सख्ती बरतेगी? क्या गोड्डा में पूर्ण लॉकडाउन लगाना जरूरी है? आमजनों के इस लापरवाही भरे रवैये के कारण कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनों के साथ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, एक्सप्रेस न्यूज से बने रहें और देखते रहें गोड्डा की कोरोना पर खास अपडेट। राजनीति से परे होकर पुड़िया हाट विधायक प्रदीप यादव ने राजनीति दलों के सभी दलों के बड़े राजनेताओं को लिखा पत्र। उन्होंने राम मंदिर के बनने हेतु सभी राजनेताओं को एकजुट होकर पूर्ण योगदान करने की आग्रह की, जिसके फलस्वरूप कोई खास पार्टी राम मंदिर को राजनीति मुद्दा न बना सके। विधायक प्रदीप यादव की अपने मन की बातों से राम मंदिर बनाने हेतु राष्ट्रीय एकता के लिए अहम योगदान होगा। आज शाम जिले में हुई झमाझम बारिश ने किसानों को और लोगों को काफी राहत दी है। वहीं खेतों और तालाबों में पानी काफी हद तक भर गया है, जिससे कि ग्रामीण काफी खुश हैं। वहीं सड़कों में पानी भर जाने की वजह से शहरी इलाकों में लोगों को आवाजाही करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव एवं अपर समर्था गोड्डा रंजीत कुमार लाल के द्वारा गोड्डा प्रखंड के बढ़ोना गांव का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों के साथ एवं कोरोना प्रभावित क्षेत्र के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही इस हेतु अपनाए जाने वाले विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय व विधि व्यवस्था संधारण हेतु किए जाने वाले सभी कार्यों की रूपरेखा तैयार करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बीते दिन उपायुक्त महोदय गोड्डा भोर सिंह यादव के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त गोड्डा सुनील कुमार के द्वारा ठाकुरगंगटी प्रखंड सभागार में समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उप विकास महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए कि सर्वप्रथम सभी प्रखंड के पर्यवेक्षक स्टाफ एवं प्रखंड कर्मी प्रखंड मुख्यालय में आवासन सुनिश्चित करेंगे। पंचायत कर्मी अपने अपने पंचायत मुख्यालय में आवासन सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात NLOB के तहत 31 जुलाई तक शौचालय को पूर्ण करना है एवं अयोग्य लाभुकों की सूची को रद्द करना है। प्रत्येक पंचायत में सामुदायिक शौचालय की सूची स्वीकृति हेतु जिला भेजना है। आज उप विकास आयुक्त गोड्डा सुनील कुमार के द्वारा गोड्डा प्रखंड के सुनमारा पंचायत अंतर्गत ग्राम पीपर जोरिया एवं नंदू पहाड़ी में मनरेगा के तहत चल रहे TCB योजना का निरीक्षण एवं नए योजना हेतु प्रस्तावित स्थल भ्रमण किया गया।